दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनजीओ विद्या भारती ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। या किसी भी देश में ले लीजिए, जो लगभग 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं, 1000 बच्चों का जन्म होता है, उनमें से 2 बच्चे कम से कम ऐसे प्रोडिजी चिल्ड्रन पैदा होते हैं। प्रोडिजी चिल्ड्रन माने क्या? जिनके अंदर कुछ न कुछ अलग प्रकार की बहुत गहरी प्रतिभा हो। आपने कई बार टेलीविज़न पर देखा होगा कि कुछ छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो पूरी रामायण को पढ़ के कंठस्थ सिखा सकता, बता सकता। किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि वो किसी भी भूगोलिक स्थिति की वो जवाब दे सकता है। कि उस किसी से पूछा कि पेरू कौन से देश में है, पेरू के देश की राजधानी कौन सी है, वो तुरंत जवाब दे देगा। तो 2 बच्चे 1000 बच्चों के पीछे एकदम, जिसको हम कहते हैं कि वो टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बच्चे होते हैं, जिनको प्रोटेजी चिल्ड्रन हम कहते हैं। देखिए, हमारे देश में कोई व्यवस्था ही नहीं है इस प्रकार की कि उनको या तो माता पिता पहचाने या टीचर पहचाने उन बच्चों को, बल्कि हम एक प्रकार से एक समस्या समझ करके उनको, बल्कि कई बार लायबिलिटी, एसेट की बजाय लायबिलिटी बना लेते। क्योंकि उस बच्चे को चाहिए, वो तो 5 साल का बच्चा, वो 15 साल की एजुकेशन चाहिए उसको, 20 साल के उम्र की एजुकेशन चाहिए उसको, क्योंकि वो इतनी जल्दी सीख सकता है या सीख सकती है। सिंगापुर जैसे मुल्क में 3 अलग स्पेशल स्कूल उनके चलते हैं, हमारे यहाँ एक भी नहीं। अभी हम लगे हैं करने के लिए, प्रयास में हैं कि प्रोडिजी चिल्ड्रन के लिए अलग से एक स्कूल खोला जाए। तो मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि आपको अपना टैलेंट कैसे पहचाने, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़, क्या चीज़ करने का मन बार बार करता है। बार बार जिस चीज़ को करने का मन करे या जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते हो, उस बात को अपने टीचर से डिस्कस करिए कि जी मुझे हमेशा ये करने में अच्छा इंटरेस्ट आता है। आप में से कईयों को मन करता होगा कि घर में जाकर के, अड़ोस पड़ोस में भी कभी किसी के यहाँ फ्रिज खराब हो गया, किसी के यहाँ कोई बिजली का बटन खराब हो गया, तो आप तुरंत जाके ठीक करने का प्रयास करते हो। किसी के मन में कुछ पर्टिकुलर गेम और स्पोर्ट्स खेलने की इच्छा करते हो। किसी में आपके अंदर होगी कि मैं कुश्ती हर वक्त दंगल करने का प्रयास करूँ, लड़ाई झगड़ा, मतलब कुछ ना मुक्का कुश्ती, कुछ ना कुछ करने का मन करता। तो जो प्रकार की चीज़ें बार बार करने को मन करता है, वही आपका, वहीं कहीं आपका टैलेंट घूम रहा है। उसको पहचानिए, उसको पहचान के उसकी के अनुसार आगे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, उसका निर्णय करिए। वो करेंगे तो यू विल एक्सेल इन दैट एजुकेशन सिस्टम, इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जब ये भी याद रखना कि जब पढ़ाई कर भी लो ना, ख़त्म कर लो, तभी भी जो बिजनेस भी करो तो भी उसी प्रकार का करना, प्रोफेशन भी कोई चुनो तो उसी प्रकार का चुनना। ऐसा कुछ करोगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब अगर प्रवीण जी अगर इजाज़त देंगे तो कुछ बच्चों के प्रश्न हो तो मैं लेना चाहूँगा, बजाय इसके कि मैं बार बोलता रहूँ। तो कुछ बच्चों के प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे, और बाकी तो किस प्रकार से कामयाब हों इसकी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, बहुत 2-3 घंटे तक बात की जा सकती है।